नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शलवार और एक जालिमन, तुम कहाँ हो? तन्हाई की घड़ियों को खूबसूरत बना रही हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त ताजा हो जाए। पहचानते हो ये धुन? अजय गोली मारो इस धुन को। जिस मदर धुन के लिए मैं यहां तक भाग कर आया पहले उसकी तो प्यास बुझा दो जालिमान। वो भी बुझ जाएगी जेके साहब, इस जगह को पहचानते हो? अच्छी तरह से पहचानता हूं। ये वो जगह है जहां पर आज से कुछ साल पहले मैंने और मेरे साथियों ने कर्नल राजेश और उसकी बीवी का खून किया था। और इस खंडर में खड़े होकर मैं तुमको भी पहचान गया हूं। तुम वो हो जिसने मेरे साथियों राणा और पिंटो का खून किया है। तुम गीता हो। दूसरे अल्फाज में मुझे तुम अपनी मौत भी कह सकते हो। कौन किसकी मौत है उसका फैसला मेरी पिस्तौल करेगी। तुम्हारा बचपन का पीछा हुआ भाई है। बचपन में सर पे चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल गया था, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया। बंटी भैया, आओ अनिल, कुछ पता चला? हाँ दादी, यह कत्ल भी उसी जगह हुआ है जहां राणा मारा गया था। यू मीन गीता का एक और शिकार? और ये रुमाल मरने वाले की जेब से मिला है। और मौका वारदात से ये अंगूठी भी मिली है। लो देखो, ये तस्वीर किसकी है? ये तो पड़ोस के मेरे दिशा की है। गीता, तो इसका मतलब ये हुआ हमें नारी निकेतन को फौरन घेर लेना चाहिए, क्यों डैडी? ये मत भूलो कि उसने भागने के लिए कोई चोर दरवाजा भी रखा होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
मिसेस जीसा है। गुड मॉर्निंग, मैं आपका पड़ोसी डीआईजी वर्मा बोल रहा हूँ। जी हाँ, देखिए आज मेरे बेटे की सालगिरह है, अगर आप शाम को तशरीफ ले आए तो बहुत मेहरबानी होगी। हम जरूर आएगा, जरूर आएगा। गॉड ब्लेस योर सन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज बर्थडे गीता, गीता बेटी ये फोन के पीछे मेरे पति की चाल है, उन लोगों ने तुझे पहचान लिया है। तू वहां मत जाना बेटी, तू वहां मत जाना। नहीं माता जी, ये मेरे ससुर का हुक्म है। लेकिन बेटी मैं ये नहीं देख सकती कि एक दिन मेरे घर में तूने सुहाग के कंगन पहने थे और आज उसी घर में तुझे हथकड़िया पहनाई जाए। मम्मी कंगन भी डैडी ने बनाए थे, हथकड़ी भी वही पहनाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर तेरी यही जिद है तो भगवान तेरी रक्षा करे। डिया जी साहब, किधर है डिया जी साहब? आइए आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। कोई मेहमान लोग नहीं आया? जब आप आ गई हैं तो चारों तरफ से मेहमान भी आ जाएंगे। तशरीफ रखिए। मिसेस जीसा, मेहमानों के आने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए क्या है जरूरी बात? मेरे दोस्त हैं डीएसपी मिस्टर गुप्ता। पुलिस वाले का दोस्त पुलिस वाला ही होएगा, कोई खूनी और चोर तो नहीं हो सकता? करेक्ट मिसेस जीसा, मिस्टर गुप्ता का बचपन का एक दोस्त था आर्मी ऑफिसर, चंद बदमाशों से मार डाला। ये पुलिस और आर्मी वालों का लाइफ हमेशा डेंजर में रहता है। तो क्या करें मिसेस जीसा, आखिर सर्विस उठाई। अच्छा तो फिर आपका दोस्त मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? उसने अपने दोस्त आर्मी ऑफिसर की बेटी को घर लाकर औलाद की तरह पाला और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। बहुत अच्छा किया, गॉड तुम्हारा दोस्त को इनाम देगा। लेकिन मिसेस जीसा, शादी के चंद रोज बाद उस लड़की ने अपने माँ बाप के कातलों में से एक का खून कर दिया। ठीक किया, अपने माँ बाप का खून का बदला लेना इसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन कानून उसने अपने हाथ में लिया और घर से फरार होने के बाद भी भेष बदलकर मिस्टर गुप्ता के घर आने जाने लगी। क्यों नहीं आएगा, वहां उसका ससुर है, हस्बैंड है। मगर मिस्टर गुप्ता ने उसे पहचान लिया और एक दिन प्लान बनाकर उसे अपने घर इनवाइट किया। अब आप ही बताइए मिसेस जीसा, क्या वो लड़की कहीं भाग सकती है? डिया जी साहब, अगर वो लड़की आपका दोस्त मिस्टर गुप्ता के वहां गया होगा तो उसने भी जरूर कोई प्लान बनाया होगा। जब मिस्टर गुप्ता ने मकान के बाहर पुलिस को बुला लिया होगा तो उस लड़की का प्लान क्या हो सकता है? डिया जी साहब, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जौहरी बाजार में बहुत बड़ा ज्वेलरी का चोरी हुआ। मान लीजिए पुलिस आता है और वो लड़की बोलता है कि डीएसपी गुप्ता और वो मिलके चोरी किया तो? लेकिन ये बात वो लड़की साबित कैसे करेगी? क्यों, अगर तलाशी लेने पर मिस्टर गुप्ता की जेब में से नेकलेस निकला तो आपका दोस्त का कंडीशन क्या होएगा? अगर ऐसा हुआ तो बेचारे मिस्टर गुप्ता मुसीबत में आ जाएंगे। और ये भी होने को सकता है कि बाकी का गोल्ड ऑर्नामेंट्स उस लड़की ने मिस्टर गुप्ता के यहाँ छुपा दिया हो। हैं? मगर कहाँ छुपा सकती है, घर में और लोग भी हैं। तो क्या हुआ डीआईजी साहब, घर में और जगह भी है, जैसे ये फ्लावर वास में छुपा सकता है। खैर छोड़िए मिसेस जी साहब बातों को, गुप्ता साहब की बात तो गुप्ता जी जाने, लेकिन आप ये फूल बहुत अच्छे लाए। बिल्कुल फ्रेश है, जरा सुन के देखिए। Thank you.
साहब, आपका तबीयत गार्डन गार्डन हो गया ना? एकदम गार्डन हो गया, एकदम गार्डन। हमको एक बात समझ में नहीं आया, वो छोकरी मिस्टर गुप्ता के घर से भागी कैसे? आइए मैं आपको पूरा नक्शा बताता हूँ, आइए। प्लीज कम। आफ्टर यू। आइए प्लीज। मिस्टर गुप्ता का बेडरूम समझ लीजिए कुछ ऐसा ही था, और मिस्टर गुप्ता यहां खड़े थे जहां मैं खड़ा हूं, और उनकी बहू वहां खड़ी थी। जरा पीछे जाइए आप जी, और उनका बेटा वहां खड़ा था। अब आप बताइए, ऐसी हालत में मिस्टर गुप्ता की बहू भाग कैसे सकती है? दिया जी साहब, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आसान? वो कैसे? ऐसे। ऑफिसर पीछे करो। क्या हुआ? मेरा पेट खुल गया, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे संभालो, मुझे लगता है पुलिस के डर से बेहोश हो गई है, इसे कहीं छुपा देना चाहिए। मुन्ना जी का घर ठीक रहेगा, वहाँ किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। बराबर है, ले चलो। मुन्ना जी क्या हुआ बेटी? हुआ नहीं, होगा। क्या होगा? ये तो मालूम नहीं, लेकिन शंभू मामा जरूर बनेगा। या अल्लाह, तो इन दोनों बच्चों को अपनी रहमत के साये में रखना। देखो शंकर जी, आप इनकी सब बातें तुम सुन लेता है मगर जवाब नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, आज भी सुन लो मगर बात बहुत सीरियस है, अच्छी तरह सुन लो। क्या है ना, आप इनको अपने बारे में कोई फिक्र नहीं, मगर आप उनकी एक छोटी बहन है ना, वो मां बनने वाली है। अब क्या है, उसका सारा जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। अपन कुछ नहीं जानता, अपन जाता है। ये लो प्रसाद बेटा। धन्यवाद। आशमान रहो। आपन तो घबरा ही गया था, मगर भगवान ने अपने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। अब तुझे आराम की जरूरत है। हाँ नहीं भैया, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा मैं आराम नहीं करूंगी। फिर वही बात, अरे तू तो नई जिंदगी को जन्म देने वाली है, दूसरे की जिंदगी कैसे लेगी? लूंगी, जरूर लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, प्रसाद तो खा ले, भगवान के मंदिर का प्रसाद है। क्या हुआ गीता? यही तो है मेरा चौथा और आखिरी शिकार संग्राम। भगवान तेरा भी जवाब नहीं, मगर ये हराम ज्यादा तो कब से जेल में है, उम्र कैद काटता है, लेकिन तू फिक्र न कर, इसे खलास करने के लिए आप खुद जेल जाएगा। आप उन्हें अपने आप को कानून के हवाले करने आया साहब। शंभू तो फिर इतने दिन पुलिस से क्यों छुपे रहे? इन सब बातों से आपको क्या मतलब साहब? कानून का अपन का जरूरत था ना, अपन आ गया है, भेज दो अंदर। नायक साहब गिरफ्तार कर लो। चलो इस बार तुम्हारा प्रोग्राम सेंट्रल जेल का बना है। प्रोग्राम अपन का बना है, तुमको काय का गम है? चलो हंसो। नायक चलो चलो, चलो।
की रेखाएं बतला रहे हैं कि बच्चे तेरा टाइम आ गया है। आए देखता नहीं कि संग्राम के डर से बाकी के सब कैदी दस दस गज दूर खड़े हैं। आप उनका टाइम तो बाहर जाके आएगा, लेकिन आप उनको लगता है तो इन्हीं जेल की दीवारों के अंदर ही मर जाएगा अगर आप उनको नहीं पहचाना तो। अबे कौन है तू? आप उनका नाम शंभू है और तुमको बाहर निकालने के लिए जेके ने भेजा है। जेके, फिर तो जरूर उस कुत्ते का पिल्ले का कोई बड़ा काम फंस गया होगा। अभी तो साले ने अपन को याद किया है, नहीं तो अपने किसी चूहे से ना करा लेता। शेर को क्यों याद करता है? सही बात है, पर मां कसम आपन को एक बात समझ में नहीं आया। क्या? इतना बड़ा शेर होकर ये लोहे के पिंजरे में क्यों बंद हो? अबे भेड़ो भाई, अपनी पुरानी कमजोरी यार। कमजोरी? कौन सा कमजोरी? अबे इसका नहीं, इसका। अच्छा अच्छा, वो क्या भेड़ो, अपन ने कई लोंडियों को अपना वाइफ बनाकर उनका लाइफ बना दिया। फिर तो तुम बहुत शादी मनाया होगा। बस शादी नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर डाला। जो मजा लोहे की हथकड़ी में है ना, खून की हथकड़ी में कहा। बस ऐसे एक दिन नमकीन ठोकरी फंस गई और अपन जोरी का माल लूट कर सीधा उसके घर पर जा पहुंचे। साले साहब आओ, चलो अपनी बहन को संभालो, आप पुन चलता है। हमारी इज्जत का मजाक उड़ाकर तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इज्जत? अरे इज्जत की कीमत तो हमने हीरे मोती देके चुका दी। यकीन नहीं है तो चादर हटाकर अपनी बहन का जिस्म देख लो। संग्राम के नाम की मोहर हर जगह लगी हुई है। यकीन हो रहा ना? खैर कमीने, आप चकुकी नाम की मोहर तेरे जिस्म पर हर जगह लगेगी। भाई साले, आप बनाओ के बीच में इसकी क्या जरूरत है?